आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कैलिपर और डिवाइडर के बारे में। चार प्रकार के टूल हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी भी जॉब का साइज कैलिपर के द्वारा कैसे लिया जाता है, किसी भी जॉब के ऊपर ओरलैक कैलिपर या डिवाइडर से कैसे मार्किंग की जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि जितने टूल आपको दिखाई दे रहे हैं इनका प्रयोग विद इन प्रैक्टिकल करके भी आज आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एक नंबर पे टूल रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर, और सेकंड नंबर पे रखा हुआ आपका इनसाइड कैलिपर, और नंबर थ्री पे रखा हुआ आपका ओरलैक कैलिपर, और नंबर फोर पे रखा हुआ है डिवाइडर। और ये मैंने एक प्रैक्टिकल करने के लिए एक जॉब यहाँ पे रखी हुई है, जिसके ऊपर हमने एक मार्किंग मीडिया भी लगाया हुआ है, और नंबर सिक्स पे रखा हुआ है सटील रूल। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं नंबर फर्स्ट पे, देखिए ये आपका आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब की मोटाई या फिर किसी भी गोलाकार जॉब का जो भारी जो व्यास होता है उसको चेक करने के लिए आपका आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर जो होते हैं ये आपके माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जितने भी आपके कैलिपर जो होते हैं, जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, उनकी पूरी बॉडी को केस हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, और जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को हार्ड भी कर दिया जाता है। या फिर जो दूसरी जो धातु मैंने आपको बताई, हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना, आपके जो कैलिपर होते हैं ये आपके हाई कार्बन स्टील के भी बनते हैं, लेकिन इनके जो पॉइंट जो होते हैं उनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि जो कैलिपर जो है आउटसाइड कैलिपर, इसका साइज कहाँ से कहाँ लिया जाता है। तो देखिए, ये जो आपको गोल गोल जो नजर आ रहा है, ठीक है, फलक्रम रोलर इसको बोलते हैं, इस रोलर के, ठीक है, इस रोलर के सेंटर से, इस सेंटर से ये जो रोलर है इसके सेंटर से लेके और इसके इस पॉइंट की जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है, इससे इसका साइज है वो लिया जाता है। तो देखिए, इसका जो कौन कौन से पार्ट है वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिए, ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, स्प्रिंग की वजह से ये यहाँ से ऐसे एडजस्ट होता है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये फलक्रम रोलर हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, और इसको हम पीछे वाली बॉल है ये, और ये इसकी यहाँ पे लेग है, और ये दोनों क्या है, पॉइंट है। तो देखिए, इसका जो साइज है वो कैसे लिया जाता है। देखिए, ये अप्रत्यक्ष है, क्योंकि अकेला सीधा हम इससे नहीं माप सकते, इसको इसका प्रयोग करने के लिए हमें स्टील रूल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि ये जॉब है आपकी, ठीक है, और इस जॉब का हम क्या लेंगे, साइज लेंगे। साइज के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले इसको अच्छी तरह से हम खोल लेते हैं, ठीक है, और जितना आएगा देखिए ये ऐसे आ गया है इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे ऐसे ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा अगर लूज आपको लग रहा है थोड़ा टाइट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, हमें नहीं पता है कि भी ये कितना खुला हुआ है, इसके लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ऐसे आपको ऐसे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऐसे टच करना होता है इस पॉइंट पे। तो देखिए, आपका ये जो लगभग जो खुला हुआ है, चलो MM में देखते हैं, और ये वाला तो लगभग ये आपका 72 MM जो है इसका साइज ये खुला हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये चेक करना होता है, क्योंकि किसी भी जॉब का हम क्या कर रहे हैं, बाहरी जो इसका जो साइज है वो चेक करने के लिए आपका आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि जो आपका इनसाइड कैलिपर है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, ये आपका इनसाइड कैलिपर है, यह भी क्या एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। ये कौन सी धातु का बनता है, यह भी आपका माइल्ड स्टील का भी बनता है और हाई कार्बन स्टील का भी बनता है। इसका साइज कहां से लेते हैं, तो देखिए इस पॉइंट से, यानी जो फलक्रम जो रोलर है इसके सेंटर से लेके इसकी पूरी लंबाई यानी इस पॉइंट तक कि जो दूरी होती है वहां से वहां तक इसका साइज लिया जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये स्प्रिंग है, फलक्रम रोलर है, और ये दो क्या है, लेग है, और ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, और ये पीछे एक बोल है, और ये दोनों पॉइंट है। तो देखिए, इनसाइड का मतलब क्या है, किसी भी जॉब का अंदर का जो माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इनसाइड का कैसे, जैसे मैंने एक जॉब ली हुई है और ये अंदर का जो हमने जो काटा हुआ भाग है उसको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इस तरीके से बंद कर लेता हूं मैं पूरा, तो देखिए ऐसे, ठीक है ना, और ये देखिए ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं चेक। उसके बाद में देखिए, ये जो है अंदर ये वाली जो झीरी है, क्योंकि इसके अंदर से हम नहीं माप सकते, तो थोड़ा मैं खोल देता हूं, देख लेते हैं भी कितनी अंदर से वो है खुला हुआ है। ऐसे ऐसे हम करेंगे, ठीक है,
उसके ऐसे रखते हैं। अब ये जो साइज है ये स्टील रूल के द्वारा हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है, सीधा माप हम नहीं ले सकते। तो ये आप देख सकते हो साइज, ये जो साइज जो खुला हुआ है ये आपका कितना खुला हुआ है, 30 mm। समझ आ गया ना भी इनसाइड कैलिपर का प्रयोग कहां पे किया जाता है। तो आइए अब प्रयोग करते हैं हम ओल्ड लैग कैलिपर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका ओल्ड लैग कैलिपर है, इसको हम लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। लंगड़ा कैसे बोलते हैं, देखिए एक टांग इसकी मुड़ी हुई है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ओल्ड लैग कैलिपर को हम दो नामों से और भी जानते हैं, इसे जेनी कैलिपर भी कहते हैं, ओल्ड लैग कैलिपर, जेनी कैलिपर, और तीसरा नाम है इसका हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है ना, तीनों नाम आपको याद रखना है, ओल्ड लैग कैलिपर, दूसरा कौन सा नाम है जेनी कैलिपर, तीसरा नाम कौन सा है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, तीन नाम है इसके, और इसकी जो टांग लैग है वो कितने डिग्री पे मुड़ी है, 45 डिग्री का है। ओल्ड लैग कैलिपर का प्रयोग किसी भी जॉब पर, राउंड जो होता है यानी गोलाकार जॉब होते हैं, उसका सेंटर निकालने के लिए ओल्ड लैग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, या किसी भी जॉब पर पैरेलल मार्किंग करने के लिए भी ओल्ड लैग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मार्किंग कैसे करते हैं, तो जॉब को मैं यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, देखिए ये जॉब है, इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे, किससे करेंगे, ओल्ड लैग कैलिपर से। तो ओल्ड लैग कैलिपर आपको पता है कौन सा यंत्र है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसके द्वारा हम, यानी मान लीजिए कि 30 mm की एक लाइन लगाएंगे इसके ऊपर, कितने की लगाएंगे, 30 mm की। देखिए इस तरह से आपको खोलना होता है, 30 mm मैंने खोल दिया। देखिए ये जो पॉइंट जो है ना, ये वाला, ये पॉइंट आपको स्टील रूल के इस किनारे पे लगाना होता है, और देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने इसको खोल दिया है। तो लाइन कैसे लगानी है आपको, तो देखिए लाइन कैसे लगानी है, जो मैंने ली हुई है, तो देखिए इस साइड के ऊपर आपको ऐसे रखना है, कैसे, ऐसे यहां पे लगाना होता है, ज्यादा नीचा नहीं करना है, बिल्कुल इसके किनारे की तरफ। ठीक है ना, ऐसे आपको करना होता है, और हल्के हाथ के साथ आपको ऐसे ऐसे लाइन खींचनी होती है। इसी तरीके से इस साइड के अंदर भी लगा देते हैं 30 mm की। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे आप मार्किंग कर सकते हो, फिर इस साइड भी लगा देते हैं ऐसे, इस साइड भी लगा देते हैं ऐसे। तो देखिए इस तरीके से आप जो है ओल्ड लैग कैलिपर से मार्किंग कर सकते हो। तो आइए अब चलते हैं कि ये जो है अगला, ये इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। ठीक है ना, डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर का प्रयोग कहां पे करते हैं, किसी भी जॉब के ऊपर सर्कल लगाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी रेखा को दो भागों में बांटने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, डिवाइडर के क्या है कि दोनों जो पॉइंट जो है ये एक साथ जुड़े होने चाहिए और आगे से नुकीले होना चाहिए। डिवाइडर का साइज कैसे लिया जाता है, इस पॉइंट, ये जो है ना फलक्रम जो लगा हुआ होता है, इसके पॉइंट से लेके इसकी पूरी लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक। एक बार स्टील रूल से चेक करते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए ये रिवेट, एक बार ये रिवेट मान लेते हैं इसको, यानी ये जो फलक्रम रोलर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, तो ये कितना है, लगभग आपका ये 150 mm का है। कितने का, 150 mm, बोले तो 6 इंच का ये आपका जो डिवाइडर है। तो डिवाइडर का प्रयोग देखिए कहां पे करेंगे, एक सर्कल लगाएंगे यहां पे। तो देखिए डिवाइडर को खोल लेते हैं, पहले 20 का खोल लेते हैं, यानी 20 का करेंगे सर्कल, कितने का लगाएंगे, 20 का, तो 40 का हो जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके से ये 20 आपका मैंने खोल दिया है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है ना, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, अब दूसरी साइड में लगा लेते हैं, इस तरीके से लगाना होता है। ऐसे और ऐसे। तो देखिए आप ऐसे डिवाइडर से कोई भी सर्कल लगा सकते हो, कोई भी रेखा को दो भागों में बांट सकते हो। तो सबसे पहले इसके और भाग देख लेते हैं, कौन से भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको हम पैग बोलते हैं, ऊपर वाला जो है, क्योंकि ये घूमता है इसके साथ साथ, इसको पैग बोलते हैं। ये आपका स्प्रिंग है, फलक्रम रोलर है, दोनों ये लैग हैं, और ये पॉइंट है, और ये आपका फाइन एडजस्टिंग शक्रु है। ठीक है ना, तो ये इसके भाग थे। अगला देखिए, ये जो है आपका क्या है, ये है आपका ओल्ड लैग कैलिपर।
ओल्ड कैलिपर के यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिवट लगी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए रिवट, इस रिवट के सेंटर से कहाँ से ओल्ड कैलिपर का, यहाँ से इस रिवट के सेंटर से, और इसकी पूरी जो ओल्ड लैग वाली जो है ना जो मुड़ी हुई है यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। तो देखते हैं अभी कितने साइज की है, ऐसे ये देखिए, ये भी आपका 150 mm यानी 6 इंची है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट के अनुसार आपके जितने भी कैलिपर हैं, चाहे आउटसाइड हो या फिर इनसाइड हो, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्प्रिंग ज्वाइंट होता है और दूसरा कौन सा ज्वाइंट होता है, रिवट ज्वाइंट, ठीक है ना। ये आपका स्प्रिंग ज्वाइंट है, ये रिवट ज्वाइंट है। स्प्रिंग ज्वाइंट सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, रिवटिंग वाले में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको हमें हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट था, मैंने आपको बता दिया है आउटसाइड इनसाइड और डिवाइडर के बारे में। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक का, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।